खुशी हुई है सबके, सबने तो एक एक एमपी का काम किया, मैंने तो दो दो एमपी बना दिए। पक्का कैंडिडेट मानती है कि भाई हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे बहादुरगढ़ से टिकट मिलो या बेरी से मिलो। दुखी है हूँ, एक तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं का रसोई का बजट खराब करके रख दिया है, जैसे गैस सिलेंडर है, दाल, चीनी, तेल जो भी लगा लो पूरा बजट हिलाकर रख दिया है। हर दिन छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार होते रहते हैं, दहेज उत्पीड़न होते रहते हैं। राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बुपणिये में बैठी हाँ, और बुपणिये में आपकी मुलाकात ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुमन सोमवीर जी से कराएंगे, जो दो जगह से चुनाव के लिए फार्म भरे गए हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से। बात करेंगे आज पार्टी को लेकर भी बात करेंगे, और महिला होते हुए भी इतना साहस किया कि दो जगह से फार्म भर के आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम सभी। राम राम जी, ठीक हो जी? ठीक है जी। स्वस्थ हो जी? बढ़िया है जी। क्या मन में विचार आया, बेरी से भी फार्म भरया अपने और बहादुरगढ़ से भी भरया है, जबकि एक जिले की जिम्मेवारी दे रखी है आपको, कैसे मन में आई ये विचार विधानसभा में आने का? देखिए, अब जो 33% महिलाओं के आरक्षण का जो मुद्दा उठा हुआ है, उसी के ऊपर हमारे जो महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा अगर महिलाओं को मौका मिला तो 33% भागीदारी महिलाओं को दी जाएगी। इसीलिए मैंने बेरी से फार्म भरा, क्योंकि मैं बेरी विधानसभा से बेटी हूँ जी। कौन सा गांव अपना? मेरा गांव बेरी के पास है, वजीरपुर दादा, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और बहादुरगढ़ से भी भरा, बताया आपने बहादुरगढ़ से भी, तो बहादुरगढ़ से कैसे मन में आया? इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता बेरी में भी बहादुरगढ़ में भी, कैसे मान के चल रहे हो कि टिकट का चांस है अब की बार? देखिए, मैंने सिर्फ इसलिए फार्म भरा अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, और तो महिला मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे लिए पूरा जिला एक समान है, तो मैं कहीं से भी भर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बहादुरगढ़ से भी भरा है और बेरी से भी भरा है। अगर पार्टी महिलाओं को आरक्षण देती है और 33% भागीदारी में हिस्सा बनाती है, तो मुझे यकीन है मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरा नंबर जरूर आएगा जिले में। बेरी से आए, बहादुरगढ़ से आए, ये फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन जो जनरल सीट हैं, अगर महिलाओं का बहादुरगढ़ से दें या बेरी से, जहाँ से भी दें, तो मैं चाहती हूँ कि टिकट मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि पूरे जिले में जितनी मेहनत मैं करती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई महिला इतनी सक्रिय होगी। मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये फार्म भरा है, अगर और सिर्फ मैं ना ये चाहती किसी की टिकट कटे या कोई किसी को मिले। आपने सही कहा, बेरी से भी बहुत से भाई साहब हैं जिन्होंने भरा हुआ है, बहादुरगढ़ से भी भरा हुआ है। मैंने सिर्फ अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, मैंने सिर्फ उसी के उस वेस पे फार्म भरा है। अगर महिलाओं को टिकट मिलता है तो मुझे मिलना चाहिए। तो कैसे राजनीति में विचार बने आपका, आपकी जीवनी पाते थोड़ा पीछे आते हैं, कितने पढ़े लिखे हो, पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो जी मैंने प्लस टू ही पास की है जी। लेकिन 10-12 साल से मैं राजनीति में कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार रही हूँ, और 5 साल से मैं जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रही हूँ, और मैंने पार्टी के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारी रही है, जो भी मुझे काम सौंपे गए हैं, मैंने यूपी तक, राजस्थान तक, या जहाँ भी मेरी जिम्मेवारी पूरे हरियाणा में, चंडीगढ़ में, जहाँ भी लगाई है, मैंने अपना पूरा काम पार्टी के प्रति पूरा ईमानदारी से किया है। पार्टी ने भी आपकी अहम भूमिका रखी है, खास ख्याल रखा है, एक महिला होते हुए आपको काफ़ी इज्जत दी है, क्यों पद आपको दिए गए, काफ़ी पद हैं जो जिले का, ग्रामीण जिले का जिला अध्यक्ष का पद है, वो कोई छोटा पद नहीं होता, पूरा जिला संभालना पड़ता, बल्कि आप तो कह रहे हो कि मैं बाहर भी गई हूँ, यूपी तक भी गई हूँ, तो काफ़ी जगह आपने मीटिंग अटेंड की है, तो परिवार भी संभाला साथ के साथ जी? वो तो होता ही है। अब भी लोकसभा में जो चुनाव थे, मैंने रोहतक में भी बहुत काम किया, जो मेरी महिला टीम है, जैसे कुछ को जूम में बांटा, बेरी में लगाया, कुछ को बादली में, कुछ को भादरगढ़ में, कुछ को जज्जर में, और शैलजा जी ने मुझे कालावाड़ी विधानसभा से कोऑर्डिनेटर बनाकर भेजा था,
वहाँ भी जिम्मेदारी संभालनी थी, तो मैं वहाँ भी रुकी हूँ। बीच में जो यहाँ मेरा आना जरूरी होता था तो मैं यहाँ भी आई हूँ। और दोनों जगह दोनों लोकसभा में एमपी बने हैं और बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं। तो आपकी जीत हुई है, आपको खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है। सबके सब ने तो एक एक एमपी का काम किया, मैंने तो दो दो एमपी बना दिए। देखो भाई कितनी मेहनत का काम। हम अपने चैनल पे ऐसे ऐसे चेहरे दिखा सकते हैं कि जो एक नॉर्मल गांव से उठकर इतने बड़े कार्य तक पहुंचती हैं। महिला शक्ति को हम बार बार दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, तो इसलिए आज रूबरू कराया सुमन जी को यहाँ से। सुमन लोचप जी हैं और एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने दो दो लोकसभा देखी है इकट्ठी, और आज दो दो जगह से एक साहस आया इनके अंदर की दो दो जगह से फार्म भरा इन्होंने। ये अपने आप को पक्का कैंडिडेट मानती है कि भाई हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, चाहे बहादुरगढ़ से टिकट मिलो या बेरी से मिलो। तो मान लो आपकी जीत हो जाती है तो क्या भूमिका रहेगी महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए? क्या सोच रही है आपकी, क्या कैसे कार्य करना चाहोगे आप? अगर आप विधानसभा में चले जाते हो, जीत जाते हो, आपको टिकट मिल जाती है, तो कैसे कार्य करोगे आप? देखिए जी, वो तो पार्टी के लिए और महिलाओं के लिए, युवा के लिए टिकट मिले या ना मिले, काम तो हमेशा करते रहना था जी। वो तो बाद की बात है, टिकट मिले नहीं मिले। लेकिन महिलाओं के लिए जो बीजेपी सरकार है, महिला बहुत दुखी हैं। वो एक तो बीजेपी सरकार ने महिलाओं का रसोई का बजट खराब करके रख दिया है। जैसे गैस सिलेंडर है, दाल चीनी तेल जो भी लगा लो, पूरा बजट इलाका रख दिया है। और महिलाओं के लिए खास कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर घर की जिम्मेवारी महिलाओं पर होती है। और पार्टी भी जैसे नारी योजना का वो कर रही है, नारी न्याय प्रोग्राम कर रही है, उसके माध्यम से नारियों को समझाना चाहती है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों, मेहनत करें। तो काफ़ी महिलाएं आपसे अब भी लगाव रखती होंगी, जुड़ी होंगी, गांव-गांव आप घूम रहे हो, तो कैसा कहती हैं वो आपको, नेता मानती हैं या एक बहन मानती हैं, क्या मानती हैं जो महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? बहन ही मानती हैं, वो मानती हैं कि आप आगे बढ़ो तो हमारे भी आवाज़ ऊपर तक सुनेगा कोई। लेकिन अब महिलाओं को बीजेपी सरकार में दबाया जा रहा है। आप महिला खिलाड़ियों को देख लो या महिलाओं को देख लो, हर दिन छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार होते रहते हैं, दहेज उत्पीड़न होते रहते हैं, लेकिन महिलाओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए महिलाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और बीजेपी सरकार में युवा हैं, बेरोजगार हैं, एक ही अग्निवीर योजना चला दी। इसको कांग्रेस सरकार अगर हरियाणा में आई तो सबसे पहले इसे ख़त्म करेगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कई जैसे 10 साल से बीजेपी है, कई बच्चों की तो उम्र तक निकल गई, इतने पढ़े लिखे अब वो क्या करें, सिर्फ पछतावा के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। और जब अब ये लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इसमें युवा वर्ग और महिलाओं ने ही ज़्यादा वोट दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि ये अब जागृत हो चुकी हैं, इनकी समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सरकार है जो सबके लिए अच्छा सोचती है और 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है। बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है जी। तो भाई सुमन लोचप कांग्रेस पार्टी से झज्जर जिला से, ग्रामीण झज्जर जिला से आज अध्यक्ष पद पे हैं और टिकट की दावेदार भी बन चुकी हैं। महिलाओं को कितना टिकट दिया गया, लेकिन कोशिश चल रही है जो पार्टी को लेकर इन्होंने बताया, हालांकि मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो सुमन जी ने हमारे को बताया कि भाई कोशिश है कि महिलाओं को भी चांस दिया जाएगा। अब की बार कांग्रेस पार्टी काफ़ी चांस देगी, इस करिए है। तो हम भी चाहते हैं कि ऐसी ऐसी महिलाओं को चांस देना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं अपने देश से। सारी रसोई का खर्च इनको पता होता है, ग्रामीण क्षेत्र का इनको पता होता है, युवाओं का इनको पता है, क्यों मातृशक्ति होती हैं ये युवा, इन्हीं से पैदा होते हैं, तो हर चीज़ का इनको पता है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी भूमिका अब की बार होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुमन जी के लिए कमेंट जरूर लिखें और अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई ऐसी महिलाएं और आगे आना चाहती है तो हम उनका इंटरव्यू जरूर डालेंगे अपने चैनल पर, वो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कर दो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। वंदे मातरम, जय भारत, नमस्ते जी।